यहाँ आना फ्रेंड्स, ये छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है, ये है एक PIR सेंसर। PIR मतलब पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर। ये ह्यूमंस और एनिमल्स की मोशन डिटेक्ट करता है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है वो है लाइट। तो मोशन डिटेक्ट होने के बाद ये इस लाइट को ऑन करता है ऑटोमेटिकली। इसे आप आपके घर में लगा सकते हो, आपके घर को ऑटोमेट करने के लिए, मतलब आपके घर में जितने भी लाइट्स लगी है उन्हें आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी आपने सेंसर लगाया है एंटर करोगे, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आप वहां से एग्जिट लोगे तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम डिले ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। तो इसका सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हमें खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, और तब तक मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं। ये जो PIR सेंसर है इसकी डिटेक्टिंग रेंज है 360 डिग्री और डिटेक्टिंग डिस्टेंस है 6 मीटर का। इसे आपको 2 से 4 मीटर की हाइट पर इंस्टॉल करना है और ये सीलिंग पर ही इंस्टॉल होगा तो बेटर रहेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट 1500 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, क्योंकि ये लाइट एज एन इमरजेंसी लाइट भी ऑपरेट होता है। तो जैसे ही आपका पावर कट होगा इसके अंदर की जो बैटरीज है वो सिलेक्टेड LEDs को ऑन करेंगी ताकि ये डार्क के समय आपको लाइट दे पाए। इमरजेंसी पावर इसकी 1.2 वॉट है। इसकी ये इमरजेंसी लाइट दोस्तों कंटिन्यूअसली 5 घंटों तक चल सकती है, और टोटल पावर जितनी भी LEDs यहाँ पर आपको दिख रही हैं वो 12 वॉट प्रोड्यूस करती है। तो काफी बेहतरीन ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस PIR सेंसर के नीचे आपको 2 एडजस्टेबल नॉब्स मिलते हैं जिसमें आप इसे दिन और रात दोनों टाइम चला सकते हो। दिन के लिए सन पे घुमाना है, रात के लिए मून पे घुमाना है, और अगर आपको शाम वगैरह के टाइम यूज करना है, लो लाइट कंडीशन में यूज करना है, तो आप इसे सेंटर में रख सकते हो। टाइम डिले मिनिमम 10 सेकंड है और मैक्सिमम 3 मिनट है। तो अगर आप 3 मिनट सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब यह है कि मोशन डिटेक्ट होने के बाद ये जो LEDs हैं वो 3 मिनट के लिए ऑन रहेंगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर 3 होल्स हमें देते हैं, तो आप सीलिंग पर इन 3 होल्स के अकॉर्डिंग ड्रिल करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये नॉर्मल 110 से 240 वोल्ट AC पर चलता है और इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल्स है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो आपको वायर इस होल में से निकाल कर इन 2 टर्मिनल्स में लगानी है। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये वायर जैसे ही आप इसमें लगा देते हो तो आपकी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। फिर इसका डिफ्यूजर इसके ऊपर रख के आप इसकी कैप लगा सकते हो। और एक चीज फ्रेंड्स, अगर आपको इसके इमरजेंसी लाइट का फंक्शन यूज नहीं करना है तो आप सिंपली इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रख सकते हो। तो वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। वेल, मैंने इसे सीलिंग पर तो लगाया नहीं है, लेकिन जमीन पर रख के मैं इसे आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। PIR मोशन सेंसर दोस्तों सिर्फ ह्यूमन और एनिमल्स की मोशन को ही डिटेक्ट करता है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आपके रूम में कोई फैन वगैरह चल रहा होगा या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव हो रहा होगा तो उसका इस सेंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आपको इस लाइट को परचेस करना है तो ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है और उनकी वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दी है। और होम ऑटोमेशन के ऐसे ही कूल प्रोडक्ट्स देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।